गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 11वां पाठ है। 11वां पाठ एक चित्र कथा है, जिसका नाम क्या है? पटाखों से तौबा। चित्र कथा मतलब चित्रों के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझाया गया है। बच्चों, ये कहानी है तीन मित्रों के, तीन दोस्तों की, जिनके नाम है अमन, रोहित और हर्ष। अमन, रोहित और हर्ष जो अपने स्कूल के मध्यावकाश अर्थात जो आधी छुट्टी का समय होता है, तो आधी छुट्टी के समय ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ये पटाखे और बम खरीदने की बातें कर रहे हैं। इनकी बातें इनकी जो टीचर होती हैं, साइंस के टीचर, जिनका नाम क्या है? श्रीमती पूजा शर्मा। तो इनकी विज्ञान की अध्यापिका इनकी बातें सुनती हैं और वो इन बच्चों को पटाखों से होने वाली हानियों को समझाने के लिए एक चार्ट जैसे क्लास में लाते हैं और चार्ट के माध्यम से पटाखों से होने वाली हानियां समझाती हैं। तो पूजा शर्मा जो उनकी अध्यापिका हैं, क्या बताती हैं? अध्यापिका पहले उन्हें पटाखे किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में बताती हैं कि पटाखों को बनाने के लिए कौन से रसायनों का प्रयोग होता है। बच्चों, पटाखे बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का जो इस्तेमाल होता है, कौन से रसायन? पोटेशियम क्लोरेट और गंधक, इसका मिश्रण जो है ये पटाखों के लिए प्रयोग किया जाता है। और पटाखों के लिए मोटा कागज लेकर बेलनाकार मतलब गोलाकार आकार में उसको बनाकर और उसके बीच में इनका मिश्रण जो भरा जाता है, जब पटाखे को आगे से उसको जलाया जाता है तो उसके अंदर से एक विषली गैस निकलती है और गैस का बहुत अधिक दबाव होने के कारण तेज धमाके के साथ वह फट जाता है। तो ये जो विषली गैस होती है ये इतनी हानिकारक होती है कि ये मनुष्य, पशु, पक्षी सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। इससे क्या होता है बच्चों? इससे जो ओजोन परत होती है पृथ्वी पर, ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत जो वायुमंडल में एक छाता सा होता है, पृथ्वी पर जो एक छाता सा एक झिल्लीदार परत होती है, ये परत क्या काम करती है? यह परत सूर्य की जो पैरा बैंगनी किरणें हैं, विसली जैसे जो किरणें हैं, उनको सीधा पृथ्वी पर आने से रोकती है और इस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। लेकिन इस प्रकार से पटाखों से, फैक्ट्रियों और वाहनों में होने वाले धुएं से क्या होता है, जो प्रदूषण होता है उससे इस ओजोन परत में छिद्र बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े छेद बन गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की विसली किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी हैं और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी बनने लगी हैं। तो अध्यापिका क्या बताती हैं? अध्यापिका जैसे बच्चों को यहाँ पर पटाखों से होने वाली हानियों के बारे में समझा रही हैं और बच्चे भी बहुत ध्यान से अपनी मैडम की बातों को सुन रहे हैं और उन पर अपने भी विचार दे रहे हैं। तो टीचर क्या बताते हैं? टीचर बताते हैं कि इस प्रकार से जो वायु प्रदूषण होता है उससे श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग आदि बीमारियां फैलती हैं और इन पटाखों के तेज जो धमाके होते हैं, तेज आवाज होती है, उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन की समस्या आती है। तो इस प्रकार से पटाखे मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बच्चों को जब पटाखों से होने वाली हानियों का पता लगता है तो बच्चे क्या कहते हैं कि आगे से हम पटाखे नहीं चलाएंगे, एक तो पैसा खर्च करें और ऊपर से मुसीबत भी मोल लें, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो ये समझदार बच्चे हैं और ये आगे से पटाखे नहीं खरीदने का वादा करते हैं और इससे अध्यापिका भी खुश होती है। अब बच्चे एक अनोखे ढंग से दीपावली का त्योहार मनाने
की बात करते हैं, वो अनोखा ढंग कौन सा है, बच्चे क्या तरीका अपनाते हैं, बच्चे जो उनके पास के जो अन्य झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चे हैं उनको मिठाइयाँ और खिलौने भेंट करके, खिलौने मिठाइयाँ उनमें बांट करके, उनको खुशियाँ देकर समय अपनी खुशियाँ मनाना चाहते हैं। तो है ना, त्योहार मनाने का बहुत अच्छा तरीका, गरीब बच्चों की मदद करके उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करके ये जो है दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। तो बच्चों, आपको भी पटाखों से होने वाली हानियों का पता लगा, तो आगे आशा करते हैं कि आने वाले आगे जो दीपावली का, होली का जो अन्य त्योहार होते हैं जिस पर हम पटाखे चलाते हैं, तो आप भी इन बातों पर अमल करेंगे।